नमस्कार, मैं नेहाल अहमद, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। पी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए निगाह डालते हैं आज की इस खबरों पे। साहेबगंज मुजफ्फरपुर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अनलॉक टू का मतलब है रात में 10 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। जान बचाना है, पूरी दुनिया तबाह हो रही है। बिहार में रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जान बचाने के लिए एक ही तरीका है, मास्क या गमछा को हमेशा मुंह पर लगाकर रखें, भीड़ में नहीं जाएं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। कोरोना खत्म नहीं हुआ। अनलॉक टू का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हुआ। रात में 10 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक अभी भी कर्फ्यू है। जान बचाना है, पूरी दुनिया तबाह हो गई। अमेरिका ढह गया, इंग्लैंड ढह गया, स्विट्जरलैंड ढह गया, जर्मनी, इटली, चाइना, बड़े बड़े देश ध्वस्त हो गए। हिंदुस्तान 130 करोड़ की आबादी वाला देश, 12 करोड़ अकेले बिहार में रोज बढ़ता जा रहा है। परसों तो 250 लोग हो गए पॉजिटिव। जान बचाने का एक ही तरीका है, मास्क को हमेशा मुंह पर लगा के रखें, गमछी से मुंह नाक को ढक। 3 ही जगह है जहां से कोरोना घुसता है, दोनों नाक का छेद और मुंह, 3 को हमेशा ढक कर रखेंगे, कोरोना से पीड़ित होने की संभावना बहुत कम है। और भीड़ में तो बिल्कुल नहीं। शादी ब्याह में देख रहे हैं लोग सैकड़ों की संख्या में। पाली में क्या हुआ, 100 लोग पॉजिटिव कोरोना एक शादी में, हजारों लोगों को फैला देंगे। भीड़ में तो जाना ही नहीं है और बड़े दुख की बात है। इसी कारण देखे, ईद की नमाज घर में हुई, सारी मस्जिदें बंद हो गई, सारे मंदिर बंद हो गए, खोला गया था लेकिन ये बाबा धाम का कांवरिया वाला जल हम लोग नहीं चढ़ा पाएंगे, जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें लाखों की भीड़ होती है और कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, लाखों आदमी की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, घर में भगवान शिव की आराधना करें, अर्चना करें, वो तो औढ़रदानी है, आपके मन के भाव को समझते हैं। कांवरिया जल नहीं चढ़ाना है, सारे मंदिर जहां जलाभिषेक होता है बंद रहेंगे, और हृदय से श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें कि कोरोना का संकट दूर हो। घर में रहें, सुरक्षित रहें, भीड़ में ना जाएं और हमेशा मुंह ढक करके रहें। मास्क जरूरी है, गमछी से या मास्क से बिना मुंह नाक ढके बाहर नहीं निकलना है, हाथ को साफ सुथरा रखना है, भीड़ में तो जाना ही नहीं है, अनावश्यक मूवमेंट भी नहीं करना है। ये मेरी बात को आप ध्यान में रखेंगे, आप सबको मेरा बहुत